हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज हम बात करेंगे मैथ, तो मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा टारगेट है जो 25/25 भाई 25 में से 25 नंबर लाना है। नॉर्मली जो हमारे जो 25 का नंबरों का एक जो पोर्शन होता है, 25 का किसी किसी में 30 का भी होता है और 20 के आसपास, बस मतलब हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं 25। सुपर फास्ट डिवीजन है भाई ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिनका भी, तो मेंसुरेशन 2D और 3D से रिगार्डिंग ज्योमेट्री में जो कवर करेगा। तो ये सारा जो भाई देखो कौन कौन सी क्लास के लिए है, तो आपका मान सकते हैं भाई 9, 10, 12 तो उनके लिए तो है ही है। और आपका दिल्ली पुलिस हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, रीट हो गया, टैट हो गया, सुपर टैट हो गया, आपका जो सी सेट हो गया, और जितने भी है मतलब यूपी पुलिस, UPSI सब जिसमें भी मैथ पूछा जाता है, और आपका लेखपाल स्पेशली उसको सारे को कवर करेगा। तो भाई देखो एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है और अपने जो क्वेश्चन लगाते हुए चलना है, अपने आपको जो जांच है कि भाई कितनी हमारी तैयारी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है भाई। तो इससे पहले भाई देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो भाई पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक एंगल, तो इसका इन दोनों का जो सम होता है θ1 और θ2 इजिकल टू 90, और ये 2x इजिकल टू 40 हो जाएगा, 90 का हाफ ये 2, ये नहीं 2 है, तो पूरक हो गया। तो ये पूरक, अगर इसको मैं पूरक मानूँ तो पूरक हो जाएगा 50, 40 में जितने भी हम जो ऐड करेंगे तो वो 90 आना चाहिए। उस जो सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक एंगल कौन जो होगा वो θ1 प्लस θ2 इजिकल टू 180। 75 में क्या ऐड करें, जो 105 कितना हो जाएगा, तो ये 105 ऐड कर दे तो ये पूरा जो हमारा 180 आना चाहिए कैलकुलेट करके। देखते हैं भाई पहली प्रॉब्लम क्या है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट इज, तो 40 डिग्री 20 मिनट का जो पूरक एंगल है कौन सा है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो 40, तो ये भाई 90 में से हम जो इनको माइनस कर देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। हमारा एक समकोण कितना होता है 90 डिग्री का, वो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 जो सेकंड। तो इस तरह से निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री ये, तो ये हो जाएगा, इधर से हम जो इसको कैरी ले लेंगे, एक कैरी ले लेंगे तो ये मिनट आ जाएगा, ये डिग्री एक मिनट के बराबर जो मैंने ये जो दिखाया अभी आपको। तो ये 89 डिग्री माइनस 40 डिग्री और 20 मिनट, तो इसे जो सोल्व करने पर जाएगा 49 डिग्री जो 40 मिनट, तो पहले का आंसर है। देखते हैं भाई सेकेंड क्वेश्चन है भाई। इफ 5x जो 5y प्लस जो 62 डिग्री कॉमा ब्रैकेट में जो 20 डिग्री प्लस y आर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ y, यदि 5y प्लस 62 डिग्री और दूसरा है हमारा जो 22 प्लस y एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात करो। तो भाई देखो मैंने दोनों लैंग्वेजेस में जो बनाई है PDF जिससे, और जो वही दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैथ में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता हिंदी और इंग्लिश का कोई भी, पर चलो फिर भी देखो दोनों का हमारा एंगल क्या होता है। हमारा अभी मैंने बताया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, थीटा वन प्लस थीटा टू इजिकल टू 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रख ली हमने जो हमारा ये 5y जो 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y इजिकल टू 180 डिग्री। तो ये जैसा सोल्व करेंगे 5y ये है और ये y ये, तो 6y प्लस 84 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, तो यहाँ 6y इजिकल टू इधर से माइनस करेंगे तो 96 डिग्री और y इजिकल टू 6 16, 16 इस तरह से, तो ये 16 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द मेजर ऑफ द एंगल्स इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल, तो क्या एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 44 डिग्री, 34 डिग्री, 52 डिग्री, 38 डिग्री। तो ये देखो इसमें देखो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जब 14 डिग्री कम है तो हम जो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, तो 14 में कितने जो जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा, तो 52 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे 90 हो जाएंगे, तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं जो। तो ये हमारा थीटा माइनस 40 डिग्री इजिकल जो थीटा, तो 2 थीटा इधर आ जाएगा, ये इधर ले जाओ माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इजिकल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 38 डिग्री, तो 38 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर द रेशियो ऑफ 5:5:6, द ट्राइंगल इज, एक त्रिभुज की भुजाएं
5:4:5:6 के अनुपात में है तो त्रिभुज है, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और आइदर द एक्यूट एंगल और द राइट एंगल, तो हमें जो ये फाइंड आउट करना है। देखो देखो जब हमें जो इस तरह साइड दी हुई है तो हमें देखो इस तरह करना होता है, एक जो ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, यदि बी ये ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन पहली वाली कंडीशन होती है, तो सी ग्रेटर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा होगा अधिकोण, मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है पहले जो आपको, तो अधिकोण होगा, और जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समकोण बन जाएगा, यदि हमारी सी स्क्वायर की वैल्यू इसका वर्ग जो है इसका वर्ग प्लस इसके वर्ग के इक्वल है तो हमारा जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और यदि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा न्यून कोण होगा, तो इस देख लेते हैं, तो सोल्व करेंगे हम, जो 6² इज इक्वल टू 4² प्लस 5² तो 36 या 41, तो ये हमारा जो 36 है लेस देन 41 तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज द रेशियो ऑफ 3:5:5 देन द एंगल इज, तो हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है, यदि त्रिभुज के तीन कोण जो हमारा 3:4:5 के अनुपात में है तो त्रिभुज है, तो हमारा क्या है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज जो एंगल ट्राइंगल और द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देखते हैं ये 3:4:5 तो तीनों का भाई अनुपात, तो मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सबका सम करा मैंने, सम करने पाया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा मेरा, तो मेरे को फाइंड आउट करना, मान लिया कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3x माना था तो 3:15 तो ये 45 डिग्री, 3:4 तो ये 60 डिग्री, 15 × 5 तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, तो हमारा फर्स्ट इज द ये एक्यूट एंगल इज द ट्राइंगल इज द फर्स्ट इज द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये है भाई, फिर इसके बाद आते हैं हमारे जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डायमीटर, तो डायमीटर व्यास क्या होता है इज इक्वल टू 2r और सर्कमफेरेंस होती है हमें परिधि, इसको हिंदी में बोलते हैं, दोनों में बताया हुआ तो 2πr, तो ये हमारा कोई सर्कल है, ये यहाँ से सेंटर से और यहाँ तक की जो वैल्यू जो ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं r और इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, और इसका जो डायमीटर व्यास होता है वो डबल हो जो डबल हो जाएगा यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी हमारी जो AD यानी कि व्यास इसको बोलेंगे। एरिया इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल पाई का पाई आर स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूले हैं भाई, देखो फॉर्मूले बता दिए आप, जो हम जो क्वेश्चन लगाते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल हूज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि इज इक्वल टू हो गया हमारा 2πr, तो 2 × π की वैल्यू रखी 22/7 22/7 इंटू जो हमारा 21 का क्यूब हो जाएगा हमारा, तो ये जैसे सोल्व करने पर जाएगा हमारा जो 30 जो ये क्यूब में 3 जो 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, और एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू रखेंगे तो 22/7 × 21 × 21 एक बार से गया 3 बार, तो ये फिर इसको सोल्व करने पर जाएगा हमारा 83/86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 7 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज्ड बाय 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्किल, तो उसकी ओरिजिनल रेडियस बतानी हमें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को बढ़ा दिया जाए उसका क्षेत्रफल जो 44 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वृत्त की जो वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, तो ए हमारा 6 सेंटीमीटर, बी हमारा 33.2 सेंटीमीटर और सी हमारा 3 सेंटीमीटर, डी हमारा 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, देखो सेशन अगर तुम्हें आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करो और जो भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आर इज इक्वल टू होता है हमारा जो आर प्लस 1, तो हमारा ये कह रहा है कि इसको जो कर रहे इंक्रीज कर रहे हैं हमारी रेडियस को आर प्लस 1 यानी कि 1% जो इसको इंक्रीज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इसको एक वैल्यू रखें पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बड़े वाले के बड़ा वाला जो हमारा सर्किल में से छोटा वाला माइनस करा तो ये जाएगा हमारा 44, ये जो कंडीशन दी हुई अगर सही से पढ़ेंगे तो ये पाई जो पाई की वैल्यू रखी 22/7 ये हमारा कॉमन लिया तो पाई आर जो आर स्क्वायर प्लस 2r + 1 माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल 2r + 1 तो 22 × 44 2 ये जो इधर चला गया 7 × 14
तो ये 2R plus 1, 14, 2R is equal to 13, R is equal to 13 upon 2, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर, तो D is the correct answer इसमें, बहुत बार ये पूछे गए क्वेश्चन है, देखो सारे जो, नेक्स्ट है, the cost of the installings of the Pukka plower is the circular for rooms rate 1540 at the rate of the 10 per square meter. What will be the cost of the facings on the, this is the rate of the 6 per meter. किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है. इस पर जो फेसिंग की लागत जो 6 प्रति मीटर की दर से कितना होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें आ जाएगी हमारी, देखते हैं भाई कौन सा आएगा. तो पाई, ये हमारा सर्किल है, पाई आर स्क्वायर, तो ये रखा है इसमें वैल्यू पाई स्क्वायर वैल्यू, तो जो तो ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू है 140. ये जो इसके इससे ये कैंसिल 10 से, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 140, आर इज इक्वल टू 7, तो पाई आर 2 पाई आर परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, 2 इंटू 4 वैल्यू रखी 6, तो ये होगा 264 आर. तो 264 आर हमारा कौन सा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है भाई. देखते हैं अब, तो लेंथ ऑफ द एक ये चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 अपॉन 2 पाई आर, तो ये हमारा थीटा एल, ये जो चाप, ये थीटा, ये रेडियस, तो ये हमारा सेंटर ओ. एरिया ऑफ द सेक्टर वृत्तखंड की जो क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये मेजर वाला सेक्टर होता है, ये माइनर सेक्टर, तो ए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से बताएं. तो अब चाप की लंबाई दी गई हो, तो एल इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू एल, तो ये हम ये फाइंड आउट इससे जो क्वेश्चन करेंगे. पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए एरिक इज सर्किल 2.2/9 ऑफ द सर्कमफेरेंसेस द सर्किल्स, व्हाट विल बी द मेजर इन डिग्री ऑफ ए एंगल द सब्टेंडेड बाय द एरिक ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल. किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई जो वृत्त की परिधि 2/9 है, वृत्त की चाप के जो केंद्र पर चाप के जो द्वारा बनाए गए कोण की माप डिग्री में क्या होगी, तो ये तो एल इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लिखी जो इसमें दी हुई है हमें 2/9 इज इक्वल टू थीटा 360 अपॉन 2, ये गया हमारा 2, जिसे सोल्व करने पाया 40, तो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 40 टू 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इज द करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट होता है हमारा ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है, तो डायगनल, उसको डायगनल देखना है, मेरा डायगनल विकर्ण, तो भुजा इंटू रूट टू, साइड इंटू रूट टू वर्ग. जो पैरामीटर होता है हमारा, जो परिमाप 4 इंटू भुजा 4 इंटू साइड, एरिया इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल, या ये होता है भुजा का स्क्वायर, तो ए सारी जो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा जो दोनों पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, एरिया ऑफ स्क्वायर द डायगनल 8√2 इज सेंटीमीटर इज, तो 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल जो हमें याद करना है, तो हमारे जो भुजा इंटू रूट टू, तो डी इक्वल टू हो जाता है ए रूट टू, तो 8 इंटू रूट टू, तो रूट टू, तो साइड इक्वल टू 8 जो आ गया हमारे, जो कंपेरिजन करेंगे तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो 8 आ गया, तो स्क्वायर इक्वल टू जो एरिया होगा स्क्वायर जो साइड स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय द 44% द मेंटेनिंग द साइज ऑफ दिस इट इज द क्लास व्हेन द परसेंटेज इज द ईच साइड विल बी द इंक्रीज. यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार के आकार को बरकरार रखते हुए 40% बढ़ा दिया जाए, तो प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट जो बढ़ जाएगी, ये हमें बताना है. तो भाई देखो, पहले हमें मान रहे 100% थी, उसमें जो 40% का इंक्रीमेंट हुआ तो 144 हो गया. अब जो साइड होता है इनकी, तो अगर मान लिया अंडर रूट ले लूंगा मैं इसको, तो ये 100 और ये 144, तो ये 10 निकल के आया, ये 12 निकल गया, दोनों में रेशियो वही होगा, तो इंक्रीमेंट कितने होगा 2 का, तो 2 के इंक्रीमेंट के लिए तो निकालेंगे हम जो परसेंटेज में के लिए 2/10 अपॉन जो 100, फिर पहले 10 था जो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20% इज द करेक्ट आंसर, तो ये इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 है, द पैरामीटर ऑफ ए 2 स्क्वायर आर द 24 सेंटीमीटर एंड द 32 सेंटीमीटर द साइड इन द इन सेंटीमीटर द थर्ड स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ द एरियाज दीज आर द स्क्वायर इज. दो वर्गों के परिमाप जो 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग को जो भुजा हमें ज्ञात करनी है. तो देखो परिमाप क्या होता है, 24 और जो 32 दिया हुआ, तो भुजा हमारी क्यों निकल जाएगी इससे, ए इंटू 4 इंटू भुजा होता है हमारा, तो 24/4 31/2 इस तरह से दिया हुआ है जो हमारा, तो 6 इंटू 8 का रेशियो आ गया, एरिया इक्वल टू हो जाए 36 और जो
34, तो ये होगा जाएगा हमारा 100, तो 100 इसका ये आ गया, तो भुजा का स्क्वायर, तो यह जाएगा हमारा भुजा 10 सेंटीमीटर, तो डी इज द 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज टू ए स्क्वायर इज 2/(√7 cm), फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंसेस टू स्क्वायर। यदि किसी वृत्त के कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2√7 cm है तो वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये एक तरह से एक वृत्त है, उसके अंदर एक और जो सर्किल है यहाँ के यहाँ तक की ये दी हुई है, और इसके अंदर एक जो और वृत्त है, तो ये मतलब एक पहले सबसे पहले वृत्त, वृत्त में जो फिर एक पहले एक सर्किल है वृत्त है, फिर जो इसमें एक वर्ग है, वर्ग के अंदर फिर एक वृत्त है, फिर सर्किल है, उसकी निकालना। आर इज इक्वल टू 2√2, तो यह जो अंतर्वृत्त का और जो परिवृत्त, आर इंटू आर 1√2 ये दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू 2√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2√14, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × 7 इंटू जो 14 है ये इससे दो बार कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं भाई ये हमारा जो आयत रेक्टेंगल, तो डायगोनल विकर्ण, विकर्ण होता है L² + B² लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। पैरामीटर होता है हमारा जो हमारा परिमाप 2 × L + B, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों को हमें ले लेंगे, परिमाप का मतलब है यहाँ तक जो हम जो बाहर की बाहर साइड जो जितना जो दूरी कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो एरिया हो जाएगा हमारा L × B यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है भाई, इसके रिलेटेड वैसे तो 14 क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगल हैज द लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड द विड्थ इज द 30 मीटर, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई 30 मीटर है, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो एल इज इक्वल टू 20 मीटर, बी इज इक्वल टू 30 मीटर, तो डायगोनल इज इक्वल टू L² + B² निकाल लगा लेंगे, 20 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर, तो ये 400, 900, तो ये हो जाएगा हमारा 1300, तो इससे ये जो भराई वैल्यू, तो ये 10√13 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 15 है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज द, जो हमारी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो जो 23 मीटर है, इट द पैरामीटर ये हमारा जो है 206, देन द एरिया फाइंड आउट करना। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो 23 मीटर है, अंत जो में अंतर है इनका, ये आयत की जो परिमाप है 206 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा L × B दिया हुआ है, मतलब लंबाई चौड़ाई का जो अंतर वो 23 है, और 2 × L + B दिया हुआ है, ये हमारा जो 206 ये जो आयत का परिमाप का, तो ये हो जाए इससे ये गया 103 बचा, अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे हम, तो ये तो इसे ऐड करने पे L + B करने पे जो हो जाएगा 2L = या डायरेक्ट कर सकते 103/23/2 ये 63 आ जाएगा, बी निकल जाएगी इससे भी 40 आ जाएगा, तो हम जो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया इजिकल टू होता है हमारा L × B, तो 63 × 40, तो ये हो जाएगा 2520, तो 2520 इज द डी इज द करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% बाय वाट द शुड बी द विड्थ ऑफ द रिड्यूस दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में कितने परसेंट ही कमी करनी चाहिए कि क्षेत्रफल समान रहे, तो ये हमारा देखो 20% है, 20% का मतलब है 1/5, हम नॉर्मल जो जानते हैं तो 5% में बढ़ाया हुआ है, 5 × जो हमारा 6 का रेशियो है, तो कितनी कमी हो रही है 1% -1 की, तो 1/6 × 100 ये हो जाएगा हमारा 16/2/3% तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 35 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी द स्क्वायर्स द फ्लावर्स बेड्स ऑफ साइड्स 5 मीटर कैन बी द मेड आउट इट। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से जो 35 मीटर 30 मीटर और इसमें 5 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं, ये बोल रहा है। तो एल दिया हुआ हमारा जो 35 मीटर, बी हमारा जो 30, तो ये इससे निकाल लेंगे हम जो डायरेक्ट सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अभी सोल्व कर सकते हैं इसमें 35 × हमारा 30, तो N × 5 का स्क्वायर, तो ये N = हो जाएगा हमारा 42, सेम 42 इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये बाहर की तरफ यदि दिया हुआ तो L है और ये D है मान लीजिए, तो एरिया ऑफ द पाथ हो जाएगा 2L + 2D, इसमें काउंट ये हमारा जो निकल आएगा ऐड कर देंगे, अरे अंदर की तरफ की बात कर रहा हो जब एरिया ऑफ द पाथ, तो 2D L प्लस
बी माइनस टू डी, ये इस तरह से निकल आएगा जब अंदर का निकलवाएगा, दोनों के बीच का अंतर निकलवाएगा, मान लीजिए इस तरह से बना दिया जाता है कुछ रास्ता, तो एरिया ऑफ द पार्ट हो जाएगा डी एल प्लस बी माइनस डी। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पे, ए रेक्टेंगल पार्क 55 मीटर लॉन्ग एंड द 30 मीटर वाइड, ए पाथ 5 मीटर वाइड एंड द कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एक आयताकार पार्क जो 55 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, एक पथ 5 मीटर चौड़ा और पार्क के जो बाहर बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पथ मतलब रास्ते का, तो देखो इस तरह से, तो एरिया ऑफ द पाथ जो डायरेक्टली कर देते हैं 2 इंटू एल प्लस 2d, तो ये तो 2 इंटू 5 55 प्लस 30 प्लस 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 10 और ये 95 तो 950 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए रेक्टेंगल पार्क इज 40 मीटर लॉन्ग एंड द जो 30 मीटर वाइड जो चौड़ा है, तो पाथ 3 मीटर वाइड एंड द बिल्ड द इनसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एक आयताकार पार्क जो 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, एक पाथ जो 3 मीटर चौड़ा है और पार्क के अंदर बना हुआ, ये अंदर की बात कर रहा है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ द पाथ केवल 2 इंटू एल प्लस माइनस 2d, तो ये जब 2 इंटू 3 40 प्लस 30 माइनस 2 इंटू 6 तो ये जाएगा 6 इंटू 40 तो ये जाएगा 384 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20 है, इन द मिडिल ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीच में 80 मीटर लॉन्ग एंड द 60 मीटर वाइड टू पाथ्स, दो रास्ते हैं भाई, तो 10 मीटर वाइड एंड द मेड ऑफ द कटिंग इज द अदर राइट एंगल, और राइट एंगल पे एक दूसरे को ही कट करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेविंग एंड द पाथ्स द रेट ऑफ द पर स्क्वायर मीटर। आठ जो 80 मीटर लंबे है, 80 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा, बाग के बीचों बीच एक परस्पर समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को जो समकोण पर काट रहे हैं, 10 मीटर दो रास्ते बने हैं, 10 मीटर चौड़े जो चौड़े रास्ते बने हैं, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो रास्ते पे मिट्टी गिरवाने का जो खर्च ज्ञात करना है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया पाथ हो जाएगा हमारा, तो ये है देखो पाथ हो जाएगा डी इजिकल टू एरिया डी एल प्लस बी माइनस डी, तो 10 80 प्लस 60 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, तो इस पे जो कुल हमारा जो एक्सपेंसिव जो है कॉस्ट आ जाएगी निकल के 1300 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 6500 रुपये इज द करेक्ट आंसर है। फिर आता है हमारा जो समचतुर्भुज पैरामीटर का जो 4 इंटू भुजा एरिया जो एरिया होगा 1/2 डी वन इंटू डी टू, डी वन डी टू इज द विकर्ण है हमारे, तो ए हमारा इस तरह से ये है देखो ए ए ए, तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर इजिकल टू डी वन प्लस डी टू का स्क्वायर, ये होगा हमारी प्रॉपर्टी है। तो 21 क्वेश्चन है भाई, द सर्कमफेरेंस ऑफ द रम्बस इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर इट द डायगोनल 14 सेंटीमीटर देन द फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। किसी समचतुर्भुज का जो परिमाप जो 100 सेंटीमीटर है, यदि उसका एक विकर्ण जो 14 सेंटीमीटर का हो, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो भुजा दिया हुआ है, तो ये 100/4 चार गुना भुजा से ये नीचे आ जाएगा 25 आ गया, तो 7 24 25 इस तरह से निकल आए। अब जो ये डायगोनल है 20 × 2 ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी, भाई 7 दिया हुआ ये जो 25 है तो ये निकली आई, बाकी हमारी 24 निकली आई, तो ये हो जाए 48, तो डी एरिया इक्वल टू 1/2 डी 1 इंटू डी 2 तो 1/2 14 इंटू 48 तो ये हो जाएगा 366 इज द करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, टू मेक ए सेम फिगर ये रेक्टेंगल साइड ऑफ द 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर प्लेस द नेक्स्ट ऑफ द अनदर रेक्टेंगल्स इक्वल साइज, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर दिस द फॉर्म एल्स, आकार की एकाकृति बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के समान आकार के एक दूसरे के जो बगल में रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बनी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो भाई ये है तो एल आकृति है ये देखो ये ठीक है, पहले ऐसे रख दिया पहले ऐसे रख दिया, ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 से 15 है 5 यहाँ, तो 10 यहाँ से 10 यहाँ 5 यहाँ, तो परिमाप हो जाएगा 750 को ऐड कर दो तो ये निकल आएगा 50 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ वन द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज जो हमारा हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स एट डायगोनल्स 20 सेंटीमीटर ऑन द 30 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो चतुर्भुज का विकर्ण जो लंबाई जो हमारी 54 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज के शीर्ष कोने पर दो लंब जो है सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के डाले गए, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हमारा जो है चतुर्भुज इस तरह से
देखो स्पीड जो विकर्ण डाला ये यहाँ पे जो जो ये लंब डाला लंब डालेगा सोली 90 डिग्री का, तो ये इसका होता है 1/2 इसका निकालने के लिए ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट तो 1 × 54 × 20 तो ये हो जाएगा 1 × 2 d1 − d1 + n1 h1 + s2 तो ये हो जाएगा 1/2 54 20 + 30 तो ये होगा 27 और ये 50 तो ये 1350 सीधा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट समझते हैं हमारे क्यूब, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये वर्टिक्स इसको कोना बोलते हैं, ये जो कोना ये एडिज ये किनारा जो किनारे जो होते हैं ये फेस ये फ्लक होते हैं, तो इसमें 8 तो होंगे भाई हमारे जो वर्टिक्स कोने एजेस होती हैं जो किनारे होते हैं 12 और जो फेस फ्लक होते हैं हमारे 6, तो वी प्लस ई माइनस इज इक्वल टू निकालना है हमें, तो ये 8 + −6 = 14 इज द करेक्ट। देखते हैं भाई और जो घन क्यूब क्यूब को देखते हैं, जो डाइक जो विकर्ण होते हैं डायगनल होगा जो भुजा इंटू रूट 3, तो टोटल सरफेस एरिया 6 × भुजा का स्क्वायर, तो वॉल्यूम भुजा का क्यूब आयतन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, डायगनल ऑफ ए क्यूब 24 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। किसी घन का जो विकर्ण 24 सेंटीमीटर है भुजा ज्ञात करनी है, तो ए हमारा 8√2, बी हमारा 8 और सी हमारा 24√3 और डी हमारा 8√3। तो यार देखो हम तो जानते हैं अभी जो पीछे बताया साइड इज इक्वल टू क्या होता है a√2, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायगनल के निकालने के लिए 2 इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 24/√3, तो √3 से मान लिया मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा √3 ये √3 हो जाएगा, तो 8√3 इज द करेक्ट आंसर है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विद द साइड ऑफ द 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजा के घन का जो जो आयतन और जो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया इज इक्वल टू 6 × 12 का स्क्वायर, तो 6 × जो ये हो जाएगा 444, तो ये हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1328 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 27, देखो यहां तक समझ में आ रहा होगा आई होप, ये देखो समझ में आ रहा है तो भाई देखो कमेंट करके बताओ कि भाई सही है क्या है, सही चल रहा है सही है। तो हाउ मेनी द सोल्ड ऑफ द क्यूब्स एंड द सॉलिड सॉलिड द क्यूब्स एंड विद द साइड ऑफ द 6 सेंटीमीटर कैन बी द मेड ऑफ द सॉलिड क्यूब्स विद द साइड ऑफ द 30 सेंटीमीटर, जो 30 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से जो 6 सेंटीमीटर भुजा के जो घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 30 का वर्ग और इंटू जो 6 का स्क्वायर, तो ये एन इज इक्वल टू हो जाएगा 30/6 का जो क्यूब, तो 5 का क्यूब ये 125 तक करेक्ट आंसर है। अरे क्यूबाइड घनाभ, तो जो डायगनल हो जाएगा इसका जो l² + b² और h ये अंडर रूट में सारा, तो एरिया ऑफ द 4 वाल चारों वालों का जो निकालने के लिए ये हाइट है ये लेंथ है ये डेप्थ है ये 2h, तो l + b और टोटल सरफेस एरिया 2l + b + bh l + hl और वॉल्यूम हो जाएगा l + bh। तो ये 28 क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी द प्लेस्ड और हाल 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड 9 मीटर हाई, जो 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और जो 9 मीटर जो ऊंचे किसी भी हाल जो किसी होल के जो रखी जाने वाली सकने वाली सबसे बड़ी की बड़ी छिड़की या जो लंबाई ज्ञात करनी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो विकर्ण भी रखी जाती है तुम्हें पता दे कोई भी जो छोड़ जो विकर्ण होगा सबसे ज्यादा लंबाई वही होगी किसी भी कोने किसी भी चाहे आप कमरे के देख लो चाहे किसी देख, तो l² √l² + b² h² तो 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये जाएगा टोटल जो हो जाएगा हमारा जो 15√2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 है भाई, ए रेक्टेंगल सीट 40 सेंटीमीटर एंड द लॉन्ग 30 सेंटीमीटर वाइड 4 स्क्वायर्स ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर आर द कट फ्रॉम द सीट एंड कॉर्नर एंड द अपॉन बॉक्स ए मेड ऑफ द रिमेनिंग सीट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, एक आयताकार चादर की लंबाई जो 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, चादर के चारों कोनों में 5 सेंटीमीटर माप के जो वर्गाकार टुकड़े के जो काट का शेष चादर की से खुली संदूक बनाई जाए बनानी है, संदूक का आयतन कितना होगा, तो ये है मैं देखो ये संदूक है, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 40 − 5 ये निकालनी है नीचे से 5 निकालनी है, तो इधर से आ जाएगा 30 इधर से आ जाएगा b हो जाएगा हमारा 30 5 इधर से ये कोने निकलेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 20, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 30 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा ये 3000, तो c इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए होल ऑफ डायमीटर इज 15 मीटर एंड 12 मीटर एंड द एंड 5 जो हमारा जो 8 मीटर फाइंड द होल ऑफ द वैल्यू एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रम से जो 15 मीटर
12 मीटर 8 मीटर कमरे का आयतन हो, चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 2H इक्वल एल प्लस बी, 2 इंटू 8 15 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27 432। तो एल इजिकल टू ये 15 है, बी इजिकल टू 12 है, एच इजिकल टू 8 है, तो वी इजिकल टू 15 इंटू 12 इंटू 8 टोटल सरफेस एरिया 2L प्लस बी प्लस एच एल प्लस, ये हो जाएगा हमारा, तो ये 180 96 और इनको सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 792 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं भाई सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। बेलन V इक्वल टू होता है ये हमारी, देखो ये बेलन है, ये इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस जो है ये हमारी रेडियस त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक जो जिसका डायमीटर आ जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, और सरकमफेरेंस ये जो जो ये हो जाएगा सिलेंडर सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये आर प्लस एच। कैलकुलेट द वॉल्यूम सिलेंडर द हैविंग द हाइट 15 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज द 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई जो 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 बटे 7 इंटू 7 जो 7 का स्क्वायर करा 15, तो ये सोल्व करा 2310 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर वॉल्यूम ऑफ द 440 सेंटीमीटर क्यूब इफ द हाइट इज द सिलेंड्रिकल द कंटेनर इज 35 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर आयतन वाले एक बेलनाकार कंटेनर के आधार की त्रिज्या गणना करें, यदि बेलनाकार कंटेनर की ऊंचाई जो हमारी 35 सेंटीमीटर है, तो ये जो 440 तो ये हो जाएगा हमारा 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर स्क्वायर 35, तो ये आर स्क्वायर जो 4 तो ये निकल के आया जो हमारा 2 सेंटीमीटर इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 33, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज द 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, किसी बेलन के आधार का व्यास जो 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या पृष्ठ की जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हमारा सरकमफेरेंस जो सिलेंडर जो सरफेस एरिया, तो ये 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 बटे 7, तो ये हमारा जो ये 22 7 बटे 2 ये 16, तो ये हमारा 352, तो ये हमारा तो ये 352 इज द करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, द सम ऑफ द रेडियस हाइट्स एंड द सॉलिड सिलेंडर 20 सेंटीमीटर एंड द टोटल पेज एरिया इज 840 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इट विल बी, तो क्या होगा ये, किसी ठोस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई जो 20 सेंटीमीटर और जो ओस जो आकार का उसका जो कुल पृष्ठ जो होगा वो 880 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है, तो 2 पाई एच आर प्लस एच आर, तो ये हो जाएगा हमारा 880, यहाँ से वैल्यू रखी आर निकल आई, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 22 बटे 7 आई आर का स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2202, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। और जो हमें यदि इसके ये एस से निकल जाएगी 20 इंटू एच यहाँ से निकल जाएगी 13 आ जाएगी, तो फिर नेक्स्ट आता है भाई हमारा कौन, शंकु, तो वी देखो शंकु क्या होता है, ये होता है भाई इस तरह की जो आकृति हमारी जो होती है फिगर, तो ये हमारा जो ये इसकी हाइट होती है ये रेडियस होती है यहाँ से डायमीटर होगा ठीक है ना, तो और ये जो हमारी जो त्रिज्या ऊंचाई स्लेट हाइट्स होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई एल इजिकल टू, तो एल इजिकल टू होता है एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसमें जो हमारा पाइथागोरस जो थ्योरम फॉलो करेगी, तो वी इजिकल टू निकालने के लिए 1/π पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा हो जाएगा सी एस ए हमारा हो जाएगा पाई आर एल और टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस आर जो एल, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन हैविंग द बेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट द 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और जो 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो शंकु के आयतन की जो हमें फाइंड आउट करना, तो V इक्वल टू 1/3 22 बटे 7 इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसे फोल्ड आउट कर लेंगे तो ये जो 2200 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ भाई देखो इतनी तो कर लोगे आप जो का सारी चीजें बताई हुई है। द कवर सरफेस ऑफ ये एरिया इज द राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर 440 स्क्वायर एंड द व्हाट विल बी द जो स्लेंट इज द हाइट ऑफ द कोन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो लंबवत वर्ती है शंकु की जो वर्क पृष्ठीय है क्षेत्रफल जो 440 वर्ग सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई बतानी है, तो इसमें जो पाई आर एल इजिकल टू 440 22 बटे 7 इंटू आर एल तो 440, तो एल इजिकल टू 20, तो एच इजिकल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 20 इज द करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 37, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन 6 सेंटीमीटर एंड द इट्स द स्लेंट हाइट 28 सेंटीमीटर एंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज क्या है, तो ये हमारा कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है सी एस से निकालना है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की ऊंचाई जो 6 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर है, शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा
सी एस जो देगा 22/7 6 × 8 28 ये जाएगा टोटल 528 तो 528 बी इज द करेक्ट आंसर है पर सेंटीमीटर देखो इसे लिखना ना भूले भाई। नेक्स्ट आते हैं हमारा भाई गोला, गोला गोले की बात करते हैं तो सर्किल तो वी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम होता है भाई देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस आर है यहाँ तक जो वॉल्यूम जो टोटल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक जो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा तो वी इक्वल टू होता है 4/3 πr³ तो आर क्यूब तो टोटल सरफेस एरिया 4πr² नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 38 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए जो स्पेयर स्पेयर का निकालना है रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का जो आयतन और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वी इज इक्वल टू 4/3 πr³ तो टोटल सरफेस इज इक्वल टू 4πr² नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्पेयर हुज द सरफेस एरिया इज द 616 स्क्वायर सेंटीमीटर गोले का आयतन ज्ञात करना पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 616 वर्ग किलोमीटर जो वर्ग सेंटीमीटर सॉरी तो 4πr² इज इक्वल टू 416 जो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर जो क्रॉस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 πr³ तो 4/3 πr की वैल्यू रखी 7 का क्यूब तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ये जो सोल करके ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 40 है इफ द रेडियस ऑफ ए स्पेयर द डबल्ड देन इट्स द वैल्यू इज द इंक्रीज्ड बाय यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा तो वी प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब तो R इज इक्वल टू 1 रेशियो का 1:2 का तो V इज इक्वल टू 1 × 8 तो ये हो जाएगा हमारा प्लस तो 7% यानी 700 का इंक्रीमेंट हो जाएगा ये जो शॉर्ट कटने का क्वेश्चन है आंसर देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है द रेशियो ऑफ द डायमीटर टू स्पेयर्स द 3:5 व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर द सरफेस एरिया यदि दो गोलों के व्यासों का अनुपात जो 3:5 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो टोटल सरफेस जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है r² के तो r² जो 3π² और 5/2 तो 5 × 5 2 तो 5 तो ये हमारा हो जाएगा जो 3² 25 तो ये हो जाएगा हमारा ये a इज द करेक्ट आंसर है। तो अर्धगोला अब देखते हैं जो ये हमारा वॉल्यूम होता है इसका भी देखो यहाँ तक ये अर्धगोला है ये r है तो 2πr² तो 2/π r³ हो जाएगा ये हो जाएगा CSA हो जाएगा 2πr² और TSA हो जाएगा हमारा 3πr² A hemisphere has the 28 diameter find the covered surface area एक अर्ध गोले का जो व्यास हो जो 28 सेंटीमीटर है इसका जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें तो इसके आ जाएगा πr is equal to निकल जाएगा 28.14 तो CSA is equal to 2 × 14 22/7 14 × 14 तो इसमें आ जाएगा A ये हमारा जो 1232 square centimeter is the correct answer है। क्वेश्चन नंबर 43 A circle with the radius 5 cm called the make a cone the same of radius base What will the height of the cone? ये हमारा जो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के समान त्रिज्या आधार वाले शंकु को बनाने के लिए गलाया जाता है शंकु की ऊंचाई बतानी है तो पाई बाई 4/3 πr³ तो ये हो जाएगा r की जगह 5 रखा 1/3 जो 5 जो 5² × h तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 5 ये होगा 20 तो 20 सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एनी द इक्वल टू डायमीटर एंड द हाइट a एंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल इक्वल टू द रेडियस बी तो फाइंड द ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है किसी समान व्यास और ऊंचाई के बेलन का आयतन ए और जो समान जो त्रिज्या की गेंद का आयतन ए बी है तो ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है। देखिए ये हमारा ये बेलन है ये हमारा जो सर्किल है तो जी ये 2πr है दिया हुआ हमें ए अपॉन बी πr² / 2r तो 4/3 2πr³ ये 2 बार कैंसिल आउट ये जो a upon b equal to 3/2 is the correct answer b। next question है भाई 45 है the height of a volume any the sphere and the cylinder is the same find the ratio of the radius किसी गोले और बेलन की ऊंचाई आयतन समान है तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है तो भाई देखो ये हमारा सर्किल है ये हमारा बेलन है तो h is equal to 2r बता रहा है तो r is equal to ये हमारा जो तो 4/3 πr³ तो ये 2πr ये πr ये इससे निकल आएगा इसे कैंसिल आउट r1/r² तो ये हो गया 3/2 r1/r² रूट 3 जो 3 और 3 तो ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ ए कोन इज मेड बाय द टर्निंग ए पीस ऑफ ए द सेमी सर्कुलर पेपर एंड द रेडियस 14 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ ए कोन
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो अर्ध वृत्ताकार कागज का टुकड़े को मोड़कर एक शंकु बनाया गया था, जो शंकु का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये शंकु है, एल इजिकल टू आर, आर इजिकल टू आर बाई टू, तो आर इजिकल टू 14/2 17, तो ये इस तरह से आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए सिलेंडर ट्यूब इज द रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स द वाटर इज द डेप्थ जो हमारा 35 सेंटीमीटर जो हमारा गहरा है वाटर जो है। ए स्पेरिकल्स आयरन बॉल्स और द ड्रॉप्ड इन टू द ट्यूब एंड थस द लेवल ऑफ वाटर इज द राइज्ड 6.75 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द बॉल। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टब में जो 35 सेंटीमीटर गहराई तक एक पानी है, एक गोलाकार लोहे की जो गेंद को टब में गिराया जाता है तो जिससे पानी के जो स्तर जो 6.75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखो भाई ये है, इसमें इसे गेंद डाली हुई है, ये यहाँ तक था, यहाँ भी यहाँ तक बढ़ गया, तो एच इक्वल टू जो है 22/7 रखेंगे 6.75 h, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये यहाँ से निकल गया वैल्यू, तो ये आर क्यूब से फोल्ड जो इसके जो सोल्व करेंगे तो आर क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब, तो आर इक्वल टू 9 इज, तो ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए सॉलिड मेटल क्यूब साइड 4.4 सेंटीमीटर एंड द मेटल आयरन ऑफ ए वायर द वायर रेडियस 2.2 जो mm, फाइंड द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर फाइंड द वायर ऑफ द प्रोड्यूस्ड। जो 4.4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस धात्विक घन को जो पिंगलाकर जो 2.mm की जो त्रिज्या वाला तार बनाया गया है, तार निर्मित जो सेंटीमीटर में है, तो पाई इज इक्वल टू दिया हमें 22/7, नहीं तो वैसे ही पता ही है, तो निकाल लेंगे इसमें जो 4.4 का जो क्यूब लगा लो भाई पाई आर जो स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा हमारा 2.10 का स्क्वायर, तो इससे वैल्यू निकली आएगी 6.776, तो ये हमारा जो आएगा 6 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, कैलकुलेट द टोटल सरफेस ऑफ द स्फेरिकल ऑफ पिरामिड द स्क्वायर ऑफ द पिरामिड द साइड ऑफ द बेस इज गिवन द 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज द पिरामिड इज गिवन द 24 सेंटीमीटर। भाई देखो हमें ये 7 सेंटीमीटर दिए, ये 14, ये जो हमें 25 दी हुई है और ये हमें 14 दी हुई है, तो 14 का आधा मतलब 7 हो जाएगा, और ये हमारी जो 25 निकाल लेंगे हमारा पाइथागोरस से, तो ये एक वर्ग का जो पिरामिड कुल जो सतह का क्षेत्रफल गिनने का, यदि आकार की जो ऊंचाई जो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का तो आधा तो 7 हो गया, तो ऊंचाई जो पिरामिड की ये हमारी 24 है, तो 25 निकल के आ जाएगी इस पर, तो TSC टोटल सरफेस एरिया तो जाएगा 1/P × L ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/256 × 25 स्क्वायर प्लस 410 का स्क्वायर, तो ये 700 + 196 ये हो जाएगा 896 इज द करेक्ट आंसर। अब ये CS से पाई R प्लस L, तो H इस तरह से, तो टोटल सरफेस ये हो जाएगा एक बाल्टी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे R प्लस L प्लस L, तो ये जो पाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 जो ये हो जाएगा R R H, तो ये देखते हैं 50 क्वेश्चन है भाई। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर इज the ends of the conical brackets जो are the ये हमारा 28 सेंटीमीटर एंड द 7 सेंटीमीटर whose the weight is the 15 सेंटीमीटर हाइट जो है हाइट दी हुई है। वन द फाइंड द वैल्यूम ऑफ द बकेट, बकेट की जो इससे निकालनी है वॉल्यूम निकालना है। यदि फाइंड ऑफ द LSA एंड द TSA ऑफ द फ्रस्टम, यदि शंकुकार जो बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की जो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई जो 45 सेंटीमीटर है, बाल्टी का आयतन ज्ञात कीजिए और छिद्रक का जो LSA और TSA ज्ञात करना। देखो ये बाल्टी इस तरह से दी हुई है, ये 15 जो 45 है, ये 30 ये 28 है, ये 7 है, तो ये से निकल जाएगा भाई ये टोटल L इजिकल टू, ये इससे निकल जाएगा 55 का स्क्वायर और R जो 21 का।